पंजा आते अलग अलग लगे अलग अलग लगे बैठ के नहीं खड़ा होकर क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले धन्यवाद तो मैं आप लोगों का देना चाहता हूँ कि जो आप समाज में ऐसे जो दुखी परिवार हैं उनको आप उजागर करते हो और ये स्टोरी हम तक पहुँच पाती है, क्योंकि हम तो हर जगह नहीं पहुँच पाते। लेकिन जब आपकी हमने ये स्टोरी देखी तो जब स्टोरी में इन्होंने कहा कि मतलब जो इनकी माताएँ हैं वो स्कूल में काम करती हैं और वो बच्चों का जो खाना बचता है वो लेके आती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, वो बहुत दुख लगा ये बात सुन के। हमें भी, मुझे भी 18-19 साल हो गए सेवा के काम में। आपने कहा ट्रस्ट मेरी कोई एनजीओ नहीं है, मैं एज एक इंडिपेंडेंट काम करता हूँ। हमारा भी सिर्फ काम ये होता है कि जैसे जो भी स्टोरी एक जेन्यून, आप लोग देखो पत्रकारिता करते हो एक जेन्यून स्टोरी डालते हो, तो जब देखिए तो आए देख के बड़ा मन दुख हुआ। एक तो इनके जो बच्चों के जो पिता हैं वो भी बीमार रहते हैं, रोज़गार का कोई इतना ज़्यादा है नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, तो बच्चे भूखे सो रहे थे या जूठा खा रहे थे, वो अच्छा नहीं लगा। तो जैसे पता लगा, हमने कल ही आपसे बात की थी, तो आज मैं कठुआ से आया हूँ यहाँ पर, तो ये जम्मू से मुझे आने में टाइम लग गया, लेकिन मैं आए तो यहाँ पर देखा कि वाकई जो आपने स्टोरी डाली थी उस मुताबिक ये स्टोरी है, बहुत दुखी परिवार है। तो आज हम इनके लिए राशन पानी, मैं जो बड़ी ब्राह्मण के जो हमारे हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के जो प्रेस चेयरमैन है चिंकल थापा जी, उन्होंने भी सेवा की है इस परिवार के लिए, राशन भेजा है। हम भी यहाँ पर आए हैं, हम इनको कैश भी मदद करके जाएंगे इनको, और दुआ करेंगे कि जो इनके जो हस्बैंड हैं या बच्चों के जो पिता हैं वो जल्दी ठीक हो, ताकि इनका पालन पोषण कर सके वो। सर अगर हम बात करें, काफ़ी एनजीओ हैं मगर जहाँ देखो सुखदेव ट्रस्ट ही आगे आता है। सर देखो मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, अभी आपने पीछे इलेक्शन भी हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए, तब काफ़ी फर्जी समाजसेवक के नाम आए कि फर्जी फलाना समाजसेवक इलेक्शन लड़ना चाहता है, लेकिन जब सेवा करने की बारी आती है तो वो कोई दिखता नहीं है, या अगर कोई दिखता है तो पर्टिकुलर एक ही चैनल के लिए देखते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अगर सेवा, आप वाकई सेवादार हो तो फर्जी समाजसेवक बन के नहीं रहना होता समाज के अंदर। जहाँ दुखी परिवार हो, ना जात देखनी है, ना पात देखनी है, ना जगह देखनी है, सिर्फ पहुँचना है मदद करने के लिए, इंसानियत मदद के लिए। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी एनजीओ को बोलना चाहूँगा, अगर आप वाकई समाजसेवक के नाम पर जाने जाते हो या आपने एनजीओज रजिस्टर कर रखी है कि मानवता की सेवा करनी है, तो आपको हर जगह पहुंचना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं आके 10,000 दो, 20,000 दो, जो देना है तक कम से कम इधर आके इनका दुखी बांट लो, वो भी बहुत बड़ी सेवा होती है। आना हर जगह जरूर चाहिए। अब मैं कठुआ से उठ के यहाँ पर आया हूँ, बिछना मेरे लिए बहुत दूर है, लेकिन आया हूँ इनका दुख दर्द देखने के लिए। तो यहाँ पर जम्मू में भी बहुत सारे हैं, तो आना चाहिए। ऐसे नाम के समाजसेवक नहीं बनना है, काम के समाजसेवक बनना चाहिए। मैं तो अपना कर्म करता हूँ, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म ही किसी की मदद करना, या किसी बेसहारा की, या जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उसकी मदद करना, इसलिए हमने ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट में गुरु रामदास जी हमारे जो जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार, सारी दुनिया के मालिक हैं, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, करने कराने वाले वही हैं, वही सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। और उसके अलावा जो मेरा ट्रस्ट गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हैं उसमें डोनर हैं, हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में, तो वही कंट्रीब्यूट करके हम आगे किसी के घर पहुंचते हैं। लेकिन उनका भी बहुत बड़ापन है, जो हर मंथ महीने अपना जो कंट्रीब्यूशन एक हमें मेरे ऊपर विश्वास करके कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन इनकी स्टोरी सुनी थी, आपका भी इसमें बड़ा योगदान है, क्योंकि आप लोगों ने, मैं आगे भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ऐसी स्टोरियाँ आपको मिलें तो ज़रूर ऐसी स्टोरियों को आप कवर करो। हम जहाँ तक अगर जेन्युइन स्टोरी होगी तो हम आपकी स्टोरी के पास, उस परिवार के पास आपकी स्टोरी में ज़रूर आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बीर जी ने कहा है, सुखदेव साहब ने, कि कई लोग हैं कि ट्रस्ट के नाम एक ही कहीं चैनल मिला उसी का पकड़ के पीछे भागना, नहीं। अगर आप लोग समाज सेवक हो तो ज़रूरी नहीं, जे गरीब बच्चे जो इनकी मैंने हालत देखी है, इसके घर में अंदर जाके देखा है, तो यही देखा है कि एक स्कूल के अंदर से जो बच्चों के टिफ़िन में जो बचता था वो ला के इन बच्चों को खिलाती थी। ये भाई साहब हैं, काम करते थे एशिया होटल में, काम करते थे, यही सुना था ना, एशिया होटल में। जब इनकी 20,000 तनख्वाह, इनका घर चलता था, परिवार चलता था, आज 25,000 तनख्वाह थी, ऊपर से भी अलग से मिलता था वो अलग। तो आज इनका सोर्स आप नहीं है, ये 4-5 भाई हैं, ये अकेला है। आज भाई कौन किसका बन रहा है, अपना गुजारा करना मुश्किल है महंगाई में। तो मैं यही कहूँगा उन लोगों को जो लोकल हैं, लोकल जहाँ के रहते हैं, अगर स्टोरी देखते हो तो यार,
याद ने क्या किसी के घर में 5 किलो आटा नहीं भेज सकते हो आप। फिर भी चलो खैर किसी को हम प्रेशर नहीं कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों ने फिर आके स्टोरी कवर की, तो हम इनको सुखदेव भीर और मैं मिलके हम इनको फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहे हैं कि चलो इसका ट्रीटमेंट है, जहाँ घर में बच्चों के कपड़े वगैरह जो भी ले लेगा, जो कोई स्कूल का कुछ होगा, तो फाइनेंशियल हेल्प भी करके जा रहे हैं। तो आगे भी आप लोग ऐसी स्टोरी हो जरूर करो, हम जरूर जरूर मैं वायदा करके जाता हूँ हम जरूर पहुँचेंगे, जेन्युइन स्टोरी हो, स्टोरी जेन्युइन करो और स्टोरी जेन्युइन में हम जरूर पहुँचेंगे। एक परिवार जरूर कॉल करें, जब तक इनका इलाज नहीं होता, ये ठीक नहीं होते, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होते, 2-3 महीने का राशन है, जब भी खत्म होगा फिर दोबारा इनको 2-3 महीने का राशन हम दे के जाएंगे, ये हम इन परिवार से वादा करके जाते हैं आपके माध्यम से, और फ़ोन नंबर ही दे के जाएंगे। आगे कोई भी जरूरत हो बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, कॉपी पेन पेंसिल वो भी जो भी चाहिए होगा हमें फ़ोन कर लें, हम उसी वक्त यहाँ पहुँच के दे देंगे। आप लोग का सबका बहुत बहुत धन्यवाद,